फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल रात में एक इनकाउंटर हुआ, उस सिलसिले में कुछ लोग अफवाह फैला रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलके क्लियर कर दें। कल दोपहर में पुलिस को इतला मिली थी, हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर दो तीन टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर तीन कमरा था। चूंकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदसर गुल है। दोनों नौकरनी किया दरवाज़ा को, मिल्टन दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया कि नॉक किया, मिल्टेंस दरवाज़ा खोल के अंदर फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस ढंग जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में दो टेररिस्ट मारे गए, एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं, कोर्ट को हैदर भी बोलता है, मोस्ट पर ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनिहाल साइड का है। उनके घरवाले को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घरवाले को, खास करके मुदसर की फैमिली मेम्बर को और अल्ताफ की फैमिली को अप्रोच की, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घरवाले को नहीं दिए, उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियो हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले तीन फ्लोर का तीन कमरा दिया था मुदसर गुल को, मुदसर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में दो पिस्टल मिला है और तीन मैगजीन, 6 फोन टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, BOP इनवेलर था और USA का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, TV और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदसर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदसर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का क्योंकि उसके घर में हेडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OHW में काउंट करेंगे। लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है, हम लोग अफसोस है। हम लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, बहुत प्रयास किया गया लेकिन बचाना मुश्किल था क्योंकि दोनों साइड से फायरिंग हो रहा था। लेकिन मुदसर जो था, ये हार्डकोर टेररिस्ट का ये टॉप रैंकेड, ये OHW के हैं, टेरर एसोसिएशन था, ये मिलिटेंसी में काफी इन्वॉल्व था। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। सर, कैन यू से दैट इट वाज अ पार्क कॉल सेंटर दैट वाज बस्टेड बाय जो कुछ पुलिस, द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन
बिल्कुल सी पाकिस्तान में बाकी कंट्री का भी यहाँ पर बहुत सारे नंबर मिला है और इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना दी है, इसको डीआई साहब खुद देखेंगे और जो जो इसमें से हम लोग मिलेगा इसमें से आप लोगों को हर एक स्टेज पर शेयर करते रहेंगे। सर हाईवे पे इस तरह का हाइड आउट चलाना तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ अलार्म एज फार एज द अलर्टनेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंसर्न्ड। हाँ ये हम लोग के लिए रियली बहुत मैं अपना सिक्योरिटी लेवल मानता हूँ या इंटेलिजेंस लेवल मानता हूँ। ये एनएच पर है जहाँ पर डेली 24 आवर्स आरोपी लगता है, वहीं पर बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पर टेररिस्ट रहता था, ये हम लोग के लिए बहुत कंसर्न का विषय है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस टाइप का और कहीं हाइड आउट होगा तो हम लोग इसको बस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल उनके घर में हाँ देखिए आप किसी को रेंट पर देते तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के दे और बीच बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते रहें कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पर दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको, तो पुलिस को कोई तला नहीं था कि किसको रेंट दिया किसको रहता है। देखिए अभी तो हम लोग इसको पूरा स्टडी करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू कर देंगे, तब तक शुरू हो जाएगा फिर शेयर करेंगे आपसे। अजी साहब फोन मिलना या कंप्यूटर किसी जगह मिलना जहां कंप्यूटर सेंटर चलता हो कोई नई बात नहीं, हर एक के पास फोन होता है, लेकिन क्या आपके पास कौन सी एविडेंस है व्हिच वुड एस्टैब्लिश दैट पीपल वर लिंक्ड विद मिलिटेंसी और सेपरेट फ्रॉम टेररिस्ट? बिल्कुल मैं अभी आपको शेयर नहीं करूंगा, टोटली डिजिटल टेक्निकल इंट है, इससे मिला और ऑपरेशन बाधित हो जाएगा, मैं इसमें जितना हो सकता है निकाल के फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो परिवार का कहना है कि फैमिली कहते हैं दे हैव बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड, दे आर ब्लेमिंग सिक्योरिटी फोर्सेस एंड दे आर सेइंग गिव अस द बॉडी बैक। मैंने खुद बोला है कुछ अल्ताफ का दिया तो क्रॉस फायरिंग हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि जो किसने मिलिटेंट ने मार दिया या हम लोग ने उसको इनकाउंटर होती है किसका गोली लगा ये तफ्तीश दौरान होगा, किस जगह लगा, हो सकता है कि अगर उसके बॉडी से पिस्टल का राउंड लगा है तो ये 100% मिलिटेंट ने मारा है, अगर एक एक का लगा है तो हम कहेंगे कि हमारे फैट्स लगा है पूरा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ देते हैं हम उसमें चेक करते हैं। सर कुड यू थ्रो अ लाइट ऑन दैट मिलिटेंट हु इज फ्रॉम वानेहर एंड आल्सो द फोर्थ पर्सन हु वाज किल्ड? मैंने बता दिया आपको ना, आप अपने कलीग से ले लीजिए, मैंने पूरा बता दिया डिटेल। देखिए ये प्रिवेंटिव मेजर मैं आपको शेयर करूँगा।